नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना क्या अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है और क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाला है, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों राशिफल शुरू करने से पहले हम यहाँ पर आपको गोचर के ट्रांजिस्ट की डिटेल यहाँ पर दे देते हैं, क्योंकि ये जो राशिफल है गोचर के ट्रांजिस्ट पर आधारित है। गोचर की डिटेल पर जाए तो 4 तारीख को बुधदेव जो है वो मकर राशि में मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। 4 तारीख को बुधदेव मकर राशि में मार्गीय आएंगे और 13 फरवरी को सूर्यदेव जो है वो मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 26 फरवरी को धनु राशि छोड़कर मंगलदेव जो है वो मकर राशि में गोचर करेंगे। 27 फरवरी को धनु राशि छोड़कर शुक्रदेव भी मकर राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। ये जो गोचरीय स्थितियां रहेगी, सूर्य शनि की युति जो है वो आपके लिए क्या उतार चढ़ाव लेकर आने वाली है। 27 तारीख बाद आपके शनि मंगल की युति भी बनेगी, तो ये क्या उतार चढ़ाव आपको रहने वाला है, इन सभी की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए जातकों के लिए ये जो महीना है बहुत अच्छे सुखद परिणामों को लेकर आने वाला है। बहुत अच्छी चीज़ें आपको इस टाइम पर इस महीने में प्राप्त होने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें ये महीना लेकर आया है। बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर है और शनि के 3रे भाव में होने से आपको आपके करियर में बेनिफिट इस टाइम पर मिलेगा। जो भी व्यापार आप करते हैं, जो भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, उसमें आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होगी। सूर्य के 4थे भाव में जाने से कारोबारियों को बहुत अच्छे बेनिफिट इस टाइम पर रहेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट इस टाइम पर रहेंगे, क्योंकि सूर्य और गुरु की युति यहाँ पर हो जाएगी, तो ये एक अच्छा समय आपके लिए साबित होगा। फिलहाल ये 13 तारीख बाद आएगा, लेकिन 13 तारीख तक देखा जाए तो आपको कुछ परेशानियाँ इस टाइम पर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आपके लिए 13 तारीख के बाद का जो समय है अगले 15 तारीख तक वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य और गुरु की युति आपके इस टाइम पर 4थे घर में बनी हुई रहेगी। यहीं पर अगर देखा जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी इस टाइम पर बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। सफलता है उनको कंपटीशन एग्जाम्स में मिल सकती है और जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग उच्च शिक्षा में अपना परचम लहराना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा हुआ है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति के 4थ भाव में होने से आपका पारिवारिक जीवन जो है बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में आपको बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त होने वाली है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी इस टाइम पर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपकी वाणी पर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिएगा, आपकी कोई भी परेशानियाँ जो है आपको परेशान नहीं करेगी, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों के लिए ये जो समय है थोड़ा सा बिछोह करा सकता है। प्रेम संबंधों में आपको जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने प्रेमी की नाराज़गी का सामना इस टाइम पर करना पड़ सकता है, यह आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रहेगा, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति के तौर पर, मोटे मोटे तौर पर आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सूर्य 4थ भाव में बृहस्पति के साथ होंगे तो ये एक अच्छी चीज़ है। 10थ भाव के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी का एक साथ संबंध और दोनों का कर्म क्षेत्र को देखना, तो आप जो भी काम करेंगे उससे पैसा तो आपकी प्राप्ति हो जाएगी, पैसा आपके पास आ जाएगा और ये एक आपके लिए अच्छी बेनिफिशियल चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों, इस टाइम पर आप कुछ भी काम करेंगे उस नए काम में आपकी सफलता रहेगी। अगर आप कुछ नई शॉप खोलना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं या फिर आप नई जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये समय आपके लिए गोल्डन चांस है, इस समय का पूरा आनंद लीजिएगा, आपको हर चीज़ यहाँ पर प्राप्त होगी। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी राशि यानी कि वृश्चिक में केतु की स्थिति होने से स्वास्थ्य भी आपका इस टाइम पर, स्वास्थ्य में अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में आपको लगेगा कि कुछ चेंजेस आपके आ रहे हैं। और मंगल की स्थिति जैसे ही
सुधरेगी, आपको अच्छे बेनिफिट इस टाइम पर प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। मंगल का अच्छा प्रभाव होना आपके जीवन में जरूरी है क्योंकि ये राशि के स्वामी है, और मंगल अगर अच्छे हुए तो आपको अच्छे बेनिफिट इस टाइम पर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानियां आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। मंगल का अच्छा होना आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आपको कम कर देगा। उपाय के तौर पर अगर आप वृश्चिक राशि वाले छोटे छोटे उपाय करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको छोटे से उपाय बताऊंगा। इस उपाय को अपने जीवन में उतारिएगा, आपको अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार के दिन आप जो है बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। हनुमान जी के मंदिर में आप भोग लगाकर प्रसाद के रूप में आप भक्तों को भी बांट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ छोटा सा उपाय है, इस उपाय को आप करिएगा, आपके जीवन में आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। आप याद रखेंगे कि हाँ, आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप बहुत बड़े चेंजेस के ऊपर हैं। अपने मस्तक पर आप लाल जो सिंदूर होता है, लाल कुमकुम जिसे हम कहते हैं, उसका आप तिलक लगाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तिलक लगाने से आपका जो है मंगल प्रभावशाली होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इंट्यूशन की पावर बढ़ेगी, तो आप बिजनेस या जॉब जो भी डिसीजन आपको लेने हैं वो सही तरीके से ले पाएंगे और आपको जीवन में आगे अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में वृश्चिक राशि वाला आपने जाना है कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।